सम्मान दिया, आज वही लोग नीतीश जी के गोद पर गिरने चले। तो हमको नाम नहीं लेना है, लेकिन एक भाई रूटी शेखपुर की जनता, 15 साल तक तुम लोग आप लोग विपक्ष में है, आप लोग हैं कि नहीं विपक्ष में 15 साल से? आपको क्या लगता है जिस व्यक्ति को 15 साल मिला वो अगला 5 साल भी काम करेगा? आप लोगों से चुन चुन करके बदला लिया जाएगा। और ये लोग जो हवा पानी दे रहे हैं, इनकी पूछी जाएगी क्या? वहां मंत्री की नहीं पूछी जाती, एक विधायक की पूछी जाएगी। इसलिए इन चक्रों में मत रहना, बटोगे तो सरकार में नहीं आ पाओगे। अब आप लोग तय कर लीजिए, आपको विपक्ष में बैठना है कि सरकार में बैठना है। आप हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा, हमको मुख्यमंत्री बनाना है। ख्याल आप लोगों को रखना है, लालू जी के मान सम्मान को, पगड़ी को आप लोगों को बचा के रखना है। कहेंगे उल्टा सीधा अफवाह फैलाएगा लोग, कुछ लोग उनके झांसे में नहीं आना है। पूरा बिहार एकजुट हो गया है, नीतीश जी का विदाई करने जा रहा है। और हमने फैसला ले लिया कि पहला मुख्यमंत्री बनते ही अगर हम कलम चढ़ाएंगे तो 10 लाख नौजवान के साथ ही। कितने? 10 लाख सरकारी नौकरी। पान का फीस माफ कर देंगे जब नौकरी के लिए भरोगे। परीक्षा केंद्र जाओगे तो किराया हम देंगे, आपको देना नहीं होगा। वृद्धा पेंशन 400 से 1000 कर देंगे, वृद्धा पेंशन 400 से 1000। और आंगनबाड़ी, जीविका दीदी, आशा वर्कर, जितना आपका सब लोग हैं स्वयं सहायता समूह, उन सबके मानदेय को दुगुना कर देंगे और नियमित कर देंगे, नियमित कर देंगे। जितना सिपाही जी लोग हैं, जितना सरकारी कर्मचारी लोग हैं, नीतीश कुमार जी ने फरमान निकाल दिया, अध्याय सूचना जारी कर दी कि 85 साल में रिटायर कर देंगे। अपने हो गए 70, कुर्सी छोड़ दी। गरीब बच्चा, इनका भी गरीब परिवार है, बाल बच्चा के नौकरी तो लगा नहीं किसी का, चाहे सरकारी पढ़ाएगा लिखाएगा, पेंशन से काम चले वाला है। 100 रुपया हो के जाता प्याज के दाम, काम चलने वाला है। हमारी सरकार बनेगी तो ये 50 साल रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन को रद्द कर देंगे, पुराना बहाल करेंगे। सब भाई लोग देखो, हम नए जवान नौजवान है, नया सोच के है, नया बिहार बनाना है। हर जात के भाई को, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हम साथ लेकर के चलना चाहेंगे। चाहे स्वर्ण जाति के लोग हों, पिछड़े जाति के हों, कि पिछड़े हों, दलित हों, या हमारे अल्पसंख्यक भाई हों, तेजस्वी यादव किसी को पीछे नहीं छोड़ेगा, बल्कि हाथ पकड़ के साथ लेकर के चलेगा। इसलिए ये वोट कटौवा के चक्कर में नहीं रहना है। मंगीता जी लड़ रही है, यानी तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। बताइए, अभी ये बता दीजिए, जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? और देखिए, एक एक आदमी से हम अपील करेंगे। कोनो इंजीनियर, कोनो क्लर्क, कोनो चपरासी, कोनो सिपाही, कोनो दरोगा, अरे करने दो बात, बैठो। सुनो भाई, मंगीता जी यानी तेजस्वी यादव, तो अब ये आप लोग बता दीजिए, कन्फर्म है कि नहीं? किसी के झांसे में नहीं आइएगा। और एक बात जरूर ख्याल रखिएगा, एक एक आदमी 10-10 परिवार को जोड़िए, वोट बनाइए, पक्का।
का वादा करते हैं मेरे से? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए वादा करते हैं। लालू जी का पगड़ी बचाइएगा कि नहीं बचाइएगा? गरीब का राज लाना कि नहीं लाना? गरीब का, नौजवान का, किसान का, मजदूर का सरकार बनाना कि नहीं बनाना? 10 तारीख के विदाई बानो नीतीश जी के, 10 तारीख को विदाई और 10 तारीख के बाद 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी। 80,000 करोड़ रुपया खाली है जो बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाती बजट का। सबका पगार का व्यवस्था हो गया भाई, लगता पैसा कहाँ से आएगा? 2,11,000 करोड़ का बजट है, 40% खर्च नहीं कर पाती है, जो होता है 80,000 करोड़ रुपया।